11 साल की रानी के लिए हर दिन कष्टमय होता है। जरा पानी। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर रसोई में माँ की मदद करनी होती है। उसके बाद अपने छोटे भाई को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। माँ रानी के बाबू के लिए जो खेतों में काम करते हैं खाना तैयार करती हैं। खाना लेकर रानी बाबू को जाकर देती है। फिर वो दौड़कर घर आती है और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। रानी उन लाखों बच्चों में से एक है जो भारत के उन अंधकार भरे गांव में रहते हैं जहां बिजली मौजूद नहीं। इन बिना बिजली वाले गांव में रहने वाले सभी परिवार एक तरह से गरीबी और निरक्षरता के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो सब तो केवल सूर्यास्त तक ही काम कर सकते हैं, और वो भी किसी यांत्रिक साधनों की सुविधा के बिना। बच्चे तो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर सकते। आज के अनेक बच्चों की तरह रानी का भी एक सपना है आगे जाकर एक सफल व्यक्ति बनने का, मगर वहां तक पहुंचा कैसे जाए? खैर, आज तो उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। इस विशाल राज्य के 38 जिलों में करीब 45,000 गांव हैं। भारत के अन्य ग्रामीण इलाकों की तरह बिहार भी सामाजिक तथा आर्थिक विकास की मूलभूत सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। बिहार के किशनगंज जिले में, जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटकर है, 761 गांव हैं। अभी यहाँ पे विद्युत की स्थिति थी तो हमारी जो सबसे ज़्यादा अन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस एट द नेशनल लेवल थे उनमें किशनगंज और कटिहार का नाम आता था। जिला मुख्यालय में एक केंद्रीय भंडार स्थापित किया। यहाँ से दूर दराज के सैकड़ों गांव में मशीनें तथा कार्यदल भेजे जाते थे। अनेक गांव में तो रास्ते ही मौजूद नहीं थे। तब भारी कंक्रीट के खंभों को गाड़ियों में चढ़ाकर गांव के सबसे नजदीकी रास्ते तक पहुंचाया जाता था, और फिर बाद में वहां से उन खंभों को लोग खुद उठाकर गांव तक ढोया करते थे। कुछ गांव को तो नदियों में नाव के जरिए माल को पहुंचाया गया था। नेकटी में अनेक मीलों की दूरी को लांघकर दुर्गम स्थानों में हर रोज एक ही साथ काम करती थी। गहरी खुदाई करके खंभों को खड़ा किया गया। दीर्घ काल तक टिकने वाले प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के खंभों को गांव की सड़क से खड़ा कर दिया। बाद में तार को चढ़ाने वाले कुशल लोग 11 केवी वाली लाइनों को खींचने लगे। बड़े सब स्टेशनों के निर्माण के क्षेत्र में राज्य पावर ग्रिड के दो अहम स्थानों पर दो बड़े सब स्टेशनों को स्थापित किया गया। हर गांव में ट्रांसफॉर्मर्स लगवा दिए। प्रत्येक गांव में ऐसे अनेक घर होते हैं जो दरिद्र रेखा के निम्न स्तर पर होते हैं। उनके लिए सरकार पूर्णतः मुफ्त कनेक्शन का प्रावधान रखती है। किशनगंज इस मामले में होगा कि हमारा 2 अक्टूबर के पहले पहले हम लोग अपने सारे हैबिटेशन और गांव को इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 100% इलेक्ट्रीफाइड घोषित कर पाएंगे। सैकड़ों घरों में मीटर लगवा दिए। गांव वालों के लिए बिजली का इंतजार अब
खत्म हो चुका था। नई ऊर्जा से उनके घर जगमगा उठे। इन अधिकार विहीन यानी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के घर में बिजली को पहुंचाने का मतलब है उनके जीवन में एक नई सुबह को लाना। उनकी आंखों में दिखाई देने वाली चमक उनके आनंद, आशा और प्रकाशमान भविष्य को दर्शाती है। लोगों की अब जो है बिजली के प्रति जो है बहुत चाहत भी बढ़ी है कि अब लोग इरिगेशन और छोटा मोटा इंडस्ट्रीज और जो है लोग गांव में भी अब फ्रिज जो है मोटर ये सब सुविधाएं जो है आदमी का जो लाइफ स्टैंडर्ड जो बढ़ा रहा है। आज ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में अब एक नंबर पर है। जो विभागीय लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी इस चैलेंज को लिया और वक्त पर इसको कर दिया, जिसको हम लोग भी नहीं सोच सकते थे। हम लोग भी आज गांव देहात में घूमते हैं तो ताज्जुब होता है कि जहां पर बिजली के बारे में सोचा नहीं जा सकता था और आज बिजली वहां जल रही है, लाइन दिया जा रहा है। सुविधा यानी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण राष्ट्र के निर्माण का एक हिस्सा है। बिहार सरकार के लिए दूर दराज के लोगों के सशक्तिकरण की दिशा में उन्नत भविष्य की ओर लिया गया एक और कदम है।